रसगुल्ला में जो रस होते हैं ना ये बटर और मतलब चिकन। तो गाइस सुरभि के यहाँ बहुत ज़्यादा जान पहचान इस बस हम लोगों को। पानी के लिए भी अल्फा कॉलिंग अल्फा करना पड़ेगा भाई। हे गाइस सुस्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग। आज एक्चुअली मॉर्निंग में ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि ऑफिस आना पड़ गया, तो अभी इवनिंग में हम लोग ऑफिस से निकल करके कुरैसी कबाब जा रहे हैं। एक्चुअली सुरभि का ट्रीट है ये, तो सुरभि आज हम लोगों को कुरैसी कबाब ले जा रही है। जहाँ तक मुझे पता है सुरभि को पता नहीं कुरैसी कबाब कहाँ पे है, बट ढूंढते ढूंढते हम लोग पहुँचेंगे कुरैसी कबाब दिल्ली में। तो गुड़गांव से दिल्ली बाय मेट्रो हम लोग जा रहे हैं, मैं, प्रसून, हैदर एंड सुरभि। तो गाइस बने रहे वीडियो में, चलते हैं दिल्ली को। प्रसून के पास कार्ड नहीं है तो बेचारा कार्ड बना रहा है। साउथ दिल्ली का है ना, इसलिए ग्रुप भी नहीं, ग्रुप साउथ दिल्ली ना, द्वारका। हाँ तो सुरभि मैडम आपको पता है कहाँ पे कुरैसी कबाब है? जी अच्छा पता है इनको कुरैसी कबाब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुम कुरैसी कबाब बोल रहे हो वो जवाहर से कितना दूर है? इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस, 2-3 मिनट वॉकिंग। हमें कहाँ से जाना है? तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं क्योंकि अब कबाब बहुत जल्दी मिलने वाला है हम लोगों को, और खासकर खाने के लिए। ब्रो मुंबई से कुरैसी कबाब खाने के लिए बंदा आया है दिल्ली। और डिटूर देखा तुमने, पहले मुंबई गया फिर देहरादून गया फिर बस नहीं गया, बहुत लंबा ट्रैवल किया है। तो गाइस हम लोग मेट्रो से बाहर आ गए हैं, अब कुरैसी कबाब की तलाश में जा रहे हैं। हाँ मैडम किधर जाना है, राइट या लेफ्ट? यहाँ से आई अज्यूम दिस राइट, बट फिर आई विल चेक। मैं इधर ही हूँ भैया, कुरैसी कबाब इधर ही है ना? हाँ जी आओ कुरैसी कबाब आओ। अरे भैया पहले तो क्या बता रही थी, हमें सीधे जहाँ भी रहना है देवी और सज्जनों, इधर उधर ध्यान ना बढ़ाएं, बस कुरैसी पे अपना फोकस रखें। तो सामने जामा मस्जिद दिख रहा है जी। पर सुन ब्रो, जहाँ मस्जिद का मजा लेते चल रहे हो? अरे हाँ एकदम, पहले तो खाना का इंतजार, खाना का इंतजार है। पर सुन को भूख लग रखी है बहुत ज़्यादा, भूख तो एक्चुअली मुझे भी लगा है क्योंकि इट्स टाइम टू हैव कबाब। कबाब तो फर्स्ट टाइम है कुरैसी कबाब, सुरभि जी की मेहरबानी है। तो हम लोग आ गए अब कुरैसी कबाब वाले के पास जो जामा मस्जिद के जस्ट पास में है, कुरैसी कबाब कॉर्नर। हाँ मैं बोल रही 7 मटन कबाब और 4 चिकन कबाब करते हैं। तो गाइस जी कबाबों का शहर में आया हूँ। एक्चुअली जामा मस्जिद के पास बहुत सारे कबाब के कॉर्नर्स हैं, बट कुरैसी कबाब इज द बेस्ट कबाब। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम है, हम लोगों का 57 मिला है और 29 चल रहा है, देन अप्रॉक्स 15 मिनट हमें वेट करनी पड़ेगी। हमने लिया है 7 मटन कबाब और 4 चिकन कबाब, अंदर लेंगे रुमाली, रोटी वोटी नहीं लेंगे? हाँ रोटी, रुमाली रोटी में पता ही नहीं चलेगा एकदम पेपर जैसा। तो फिर एक एक रुमाली रोटी करते हैं? हाँ हाँ वो अंदर करना पड़ेगा, मज़ा उसी में आएगा। तो गाइस सुरभि के यहाँ बहुत ज़्यादा जान पहचान इस बस हम लोगों को ग्रेस मिल गया है। 38 चल रहा है, 57 था फिर भी जल्दी मिल रहा है बिकॉज ऑफ सुरभि। तो वैसे भी गाइज यहाँ पे आकर के आप सुरभि का नाम लोगी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग कबाब लेकर के इसके बैक साइड जा रहे हैं, पीछे बैठने की जगह है वहाँ बैठ करके हम लोग कबाब तोड़ने वाले हैं आज। ओह फुल चल रहा है गाइस। सुरभि का रेफरेंस सिर्फ कॉर्नर तक था, यहाँ पे रेफरेंस है नहीं कुछ, वेट करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ तो करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोगों को फाइनली सीट मिल गया बैठने के लिए, तो ये निकल गया कबाब। मटन चिकन दोनों है, ये चिकन है
मोमेंटो चार रुमाली रोटी दे प्लीज टू करो। फर्स्ट टेस्ट मटन कौन सा है, चिकन कौन सा है? चिकन ना। माय ओह माय गॉड कस्टम टेस्ट तो भैया बोलते हैं इसको टूटना, हैदर भाई टूट गए हैं। ठीक है ट्रिक है क्या बनेगा? तो गाइस इतना देर वेट किया हमने, तो वेट करने का फ़ायदा हुआ ये कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आज हमें मिला कबाब खाने का। तो गाइस हैदर जी का प्लान चेंज हुआ है और हम लोग कुछ और खाने जा रहे हैं। हैदर जी पता नहीं क्या खिलाने वाले हैं आज, तो इस भीड़ में वाह ये तो मेरे नाम का दुकान है, अनमोल चिकन कॉर्नर। तो गाइस जी बाकी ये मेरा है नहीं, बस मेरा नाम यूज है। मटिया महल गली बोलते हैं सर। ओके और मटिया महल ये जो गली है, दिस इज द मोस्ट हिस्टोरिक एंड द मोस्ट फेमस प्लेस टू हैव मुगलाई फूड इन एंटायर इंडिया। अच्छा मुगलाई फूड के लिए बहुत फेमस है? बहुत फेमस है, यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स है दे आर ऑल वेरी लेजेंडरी। अल जवाहर में हम लोग अभी खाएंगे। यस yes. यहाँ खाते हुए चले क्या आगे? पहले असलम जाते हैं। चलो ठीक है असलम चलते। ये अल जवाहर है, अल जवाहर के अंदर ही क्या कहते हैं जब हम जाते हैं तो करीम्स आती है। करीम्स जो है बोलते हैं कि जो करीम्स के जो बावर्ची है वो मुगलाई जो बावर्ची के टाइम के हाँ मतलब पीढ़ी आ रही है जो बना रहे हैं वो। तो गाइस यहाँ पे मन्नतें होती है हैदर भाई के अकॉर्डिंग, जो अगर कुछ पूरे हो जाते हैं तो लोग फकीर को खाना खिलाते हैं, इससे वहाँ पे आ गया है। तो मैं भी आऊँगा हैदर जी, मेरी भी मन्नतें कुछ हैं जो पूरे हो जाए तो। तो गाइस देखें यहाँ पे फकीरों को खाना खिला रहे हैं, किन्हीं का मन्नत पूरा हुआ होगा। तो गाइस जब तो हम लोग आ गए हैं असलम चिकन में चिकन खाने के लिए। पता नहीं आज कितना चिकन खाएंगे कुछ और। और ये इतना फेमस है कि हम लोग सेकेंड फ्लोर पे आई थिंक ना, फर्स्ट फ्लोर पे हैं और ये थर्ड फोर्थ फ्लोर तक भी है, फिर भी इतना वेटिंग चल रहा है टेबल का। तो गाइस ये रियल बटर चिकन है, चिकन एंड बटर नथिंग एल्स। मतलब क्रीम भी है इसके। तुम्हारे रसगुल्ला में जो रस होते हैं ना ये बटर और मतलब चिकन नहीं बट लाइक बटर चिकन अलग नहीं होते होता है बट मल जवाहर चल लेंगे क्योंकि तो हैदर जी प्लीज आप छोड़ दो अब हम लोगों को, बकस दो बहुत खाली है आज नहीं बहुत खाली है आज है ना। हेलो अभी शायद थोड़ा खाना बाकी है, एक लेंगे शाही टुकड़ा। वो क्या चाहिए, वो भी चिकन होगा? नहीं नहीं वो डेजर्ट है। शाही टुकड़ा नहीं खाया है? नहीं खाया हूँ मैं। रबड़ी उसके ऊपर लगी हुई है, ब्रेड होता है ना, ब्रेड उसके ऊपर रबड़ी। हाँ तो वो खा लेंगे, मीठा चलेगा, मीठा मेरा फेवरेट है। तुम्हारा भी बकरा है भैया? बकरा नहीं है तो ये भेड़ा है, भेड़ा। अच्छा भेड़ा। तो गाइस आपने देखा कितना बड़ा भेड़ा था, भेड़ा भेड़ा हाँ जिससे ऊन बनते हैं इसके बाल से। आते हैं अंदर चलो। तो गाइस हम लोग इतना फुल हो गए हैं कि एक ही शाही टुकड़ा लेना पड़ा और इसी में हम चारों जन खाएंगे क्योंकि पेट इतना फुल हो गया है जो। अनमोल कैसा लग रहा है? शाही टुकड़ा बहुत मज़ा आ रहा है खा के, बहुत ज़्यादा मीठा है बट टेस्ट बहुत अच्छा है। इतना मीठा मुझे बहुत पसंद है इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और हैदर बहुत ज़्यादा मीठा है। जगह नहीं यार
लहसुन अब कुछ बोलने लायक नहीं बचा है। मुझे बहुत अच्छा लगा है बट एक्चुअल में बहुत मीठा है, तो एक तो बाइट के बाद मुश्किल है इसको पूरा दम पीना। मैं रेडी हो गया परसों, मैं रेडी परसों, मैं रेडी हो गया। तो गाइस हम जा रहे हैं फाइनली अल जवाहर, तो अल जवाहर में भी हम लोग खाएंगे। अब मॉर्निंग में क्या होता है वो बाद में देखेंगे। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए अल जवाहर। यहाँ का लेमन चिकन बहुत ज़्यादा फेमस है, चिकन विथ काली मिर्च। फाइनली फाइनली हम जाके अल जवाहर पहुँच गए हैं। मैं ये सेकेंड टाइम आया हूँ दिल्ली के अंदर, फर्स्ट टाइम भी हम नहीं आ पाए थे बिकॉज हम लोग ने दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा खा लिया था। फाइनली गाइस फाइनली इट्स हैपनिंग। एक प्लेट हैदर जी के लिए फुल वाली और हम सब के लिए हाफ में। नहीं नहीं मैं दो प्लेट का हूँ। ओह रियली? दो प्लेट? हाँ दो मेरी रोटी काफी है। बड़ा खाया जाएगा बिकॉज हमें तो साइड टुकड़ा खाने में मज़ा नहीं आया। तो साइड टुकड़ा खिलाओ लेकिन मैं अब ड्रिंक लूंगा, मतलब होल ड्रिंक। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ वो एक्चुअली यहाँ पे इतने ज़्यादा भीड़ होते हैं कि लोग यहाँ के जो मैनेजर होते हैं उनको वॉकी टॉकी से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। देखें भैया के हाथ में वॉकी टॉकी है, मेरा बैटरी भी ख़त्म हो रहा है GoPro का, पता नहीं अब कितना हम कर पाएंगे। हमारा खाना ही ख़त्म नहीं हो रहा है। हाँ यार खत्म हो गई, पूरा बैटरी ख़त्म हो गया GoPro का लेकिन खाना ख़त्म नहीं हो रहा है। पेट में जगह खत्म हो गई। पानी के लिए भी अल्फा कॉलिंग अल्फा करना पड़ेगा भाई। तो ये आ गया खमीरी रोटी एंड चिकन काली मिर्च, चिकन काली मिर्च और टूट पड़ी है सुरभि। और मैं भी अब टूटने वाला हूँ इसमें। तो गाइज आज हम लोग बहुत खाना खाए, बहुत ज़्यादा। आपको खिलाने पाए, आपको खुद आके खाना पड़ेगा। और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं एंड करते हैं। तो गाइज मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू गाइज, बाय।